करनाल में कैथल रेलवे ओवरब्रिज अंदर जॉइंट में कमी आ जाने से ओवरब्रिज के सरियों का बदलाव किया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 से 20 दिन का समय लगेगा। करनाल से जुंडला कैथल असन जीन जाने वाले वाहनों को माल रोड से गुजरकर जाना पड़ रहा है, जिससे शहर भर में यातायात अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जी हाँ, ओवरब्रिज पर कार्य कर रहे टेक्नीशियन ने बताया कि यह ओवरब्रिज जो काफी पुराना है, उसके अंदर सरियों में जंग लगने व अन्य खामियां आने के कारण पुल की रिपेयरिंग की जा रही है। एक नामी कंपनी द्वारा पुल को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। ओवरब्रिज पर पूर्ण निर्माण कार्य होने से कैथल की तरफ जाने वाले वाहनों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। आसपास के दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन की देखरेख में यह निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण यातायात में थोड़ी असुविधा आ रही है, परंतु उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि पूर्ण निर्माण कार्य को देखते हुए प्रशासन का सहयोग करें। तो है गांव अंदर ही नहीं है, रास्ता बंद हो रहा। कितने दिन के लिए है ये? 20 दिन के लिए बता रहे। तो इससे दुकानदार पे फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, जब गांव नहीं आएगा फर्क तो आपको पड़ेगा। तो कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं, मैं क्या करना चाहिए, क्या बताऊं इसके बारे में? कहना चाहिए अभी अपना रास्ता खुलना चाहिए, कहना चाहिए अभी रास्ता खुल जाए तो ग्राहकी भी हो जाएगी, ठीक है ना? जब रास्ते नहीं खुलेगा फिर ग्राहकी कैसे होगी? इससे दिक्कत तो आ रही है, ट्रैफिक में काफी लोग आते हैं, यहाँ से वापसी मुड़ के जाना पड़ता है। या तो नियमित रूप से पहले ही ट्रैफिक को मोड़ दिया जाए, ताकि चौक में आके मुड़ के ना जाए, बस ये परेशानी आ रही है, ट्रैफिक दुखी हो रही है। ये काम तो ठीक, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है, काम होना भी चाहिए। समय रहते इन्होंने अपना पुल को रिपेयर कर रहे हैं, ताकि कोई बड़े हादसे बच सके। बस यही है कि ट्रैफिक का जाम की समस्या है, उसके लिए पहले ही वहां से ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हो, जो ट्रैफिक को दूसरी ओर कन्वर्ट कर दे, ताकि यहां पर चौक से दोबारा मुड़ के ना जाना पड़े। मैंने कल एक पुलिस वाले को कहा, मैं तुम ट्रैफिक पुलिस को जाने के दे रहे हो ट्रैफिक उधर? कहता है नहीं, वो थोड़ा सा घूम के आते हैं ना, हमारे को भी इधर तो ट्रैफिक संभालने में कम रहता है। मैं ये तुम अजीब बात कर रहे हो, तुम पहले ही अपना सूचना कर दो कोई अंदर आए ना सर्फ रोड की तरफ, ताकि पब्लिक परेशान ना हो। ये दिक्कत आ रही है ट्रैफिक की, बस इसकी समस्या को थोड़ा दूर की जाए, बाकी काम जो हो रहा है जल्द से जल्द खत्म किया जाए। धन्यवाद। ये सर पहले बताना चाहिए, 24 घंटे पहले लोगों को बिना बताए ये बंद कर दिया, और आज किसी को पता नहीं, और यहाँ आते और फिर उनको घूम घाम के पूछते हुए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, और ये पहले कर देते तो लोगों को सुविधा रहे। अच्छा है, क्योंकि कोई हादसा होने से भी बचेगा, और 2 दिन लगेंगे 1 दिन लगेगा तो, लेकिन उसको ध्यान रखते हुए इसका करना भी जरूरी था। ये जो बंद किया गया है वो जॉइंट का काम है, जॉइंट डैमेज हो रहा है, तो इसलिए नया बल लगा रहे हैं, लगाएंगे निकाल करके। अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी से करवा रहे हैं ये? एनएचआई वाले, सरकारी काम, हमारा तो प्राइवेट तो है नहीं। तो कब तक हो जाएगा, कुछ है पता? हाँ, लगभग 15 से 20 दिन में हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत आ रही है उसमें? ये जॉइंट है जो पुराना वाला लगा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत जंग या कुछ भी लगा होगा, डैमेज हो रहा है, इसलिए ये वाला निकाल करके नया लगाएंगे। ये जो है अपना ओवरब्रिज जो है, ये कैथल वाला रेलवे का ओवरब्रिज है, वो पुराना हो गया, उसकी रिपेयरिंग का जो कार्य है वो डीसी साहब से परमिशन लेके, जो व्यक्ति बता रहे थे कि हमने परमिशन ले लिया है, उसका भी सहयोग चल रहा है। तो इसका कार्य जो है प्रगति पे है, जो पत्तियां हैं वो प्रेशर लेना बंद कर गई हैं, तो इनकी बीच की जो पत्तियां जो गैप होता है वो उसको रिपेयर करके और इसको आज ठीक कर देंगे, इसका कार्य चल रहा है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।